तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, इन सब डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका नाम गलत हो जाता है, कई बार होता है ना कि कंपनीज आपको ऑफर लेटर देती है, एक्सपीरियंस लेटर देती है, तो मैं आपका नाम मिस्टेक कर देती है, कुछ गलत लिख देती है और आप उस टाइम शायद नहीं ध्यान देते हो या कंपनी से दोबारा नहीं लेते हो। इन केस अगर आप स्विच करते हो, किसी नई कंपनी में जाते हो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, जी हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका सलूशन क्या है वो भी आप जान लो। तो पहली बात तो मेरे दोस्त, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो, जब भी आप ऑफर लेटर लेते हो, एक्सपीरियंस लेटर लेते हो, वो तो आपका नाम है सिर्फ ना। आपको जितने भी टर्म एंड कंडीशन दिए होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ना, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से पहले आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, उसके बाद मेल पर रिप्लाई दो, उसके बाद ही आप ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करो। पहली चीज़ तो ये होती है। एंड जो सेकेंडरी क्या है, आप बाय मिस्टेक ध्यान नहीं देते हो या आप भूल गए या किसी भी तरीके अगर आप ध्यान नहीं देते हो, जब भी आप किसी नेक्स्ट कंपनी में स्विच करते हो तो उसमें होता क्या है, आप जाते हो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन दिए, उसमें नाम आपका गलत आ रहा है और आपका नाम कोई दूसरा है आपके डॉक्यूमेंट्स पे और एक्सपीरियंस लेटर पे गलत है, तो इसमें होता क्या, उस कंडीशन में वो कंपनी पूछती है आपसे कि आपके नाम अलग अलग कैसे हैं। जब भी आप कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आप पोर्टल पर उनके अपडेट करते हो तो पूछती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्त, वो एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मेल ड्रॉप करेंगे आपकी प्रीवियस कंपनी में। सपोज ABC को एक कंपनी है और आपने XYZ कंपनी ज्वाइन करी, तो XYZ कंपनी ABC कंपनी को एक मेल ड्रॉप करेगी कि इस नाम का बंदा है, आपने ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस लेटर इस नाम से रिलीज किया था क्या, या इस बंदे का एक्चुअल नाम क्या है। तो इस तरीके से जब वो लोग आपकी प्रीवियस कंपनी वाले ना आपको आप उनकी मेल पे या आपको रिप्लाई दे देते हैं कि हाँ इस बंदे का नाम ये है, और मतलब कि अगर वो लोग बोल देते हैं ना कि हाँ मैंने बाय मिस्टेक वो टाइप कर दिया तो इस बंदे का ये नाम है, इतने से इतने वर्किंग था, ये डेजिग्नेशन थी, ये सारी चीज़ें वो उस कंपनी को अगर रिप्लाई कर देंगे आपकी XYZ कंपनी को, तो समझ लो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इन केस वो रिप्लाई नहीं करते हैं और रिप्लाई नहीं हो पाता या आप भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हो कि मेरा ये नाम है और एक्सपीरियंस लेटर पे मेरा ये नाम शो हो रहा है, तो फिर समझ लो कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर MNC कंपनी हुई तो आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। स्मॉल स्टार्टअप हुए 100-200-500 एम्प्लॉय के लिए तो हो सकता है कि आपकी जॉब बच जाए, लेकिन अगर MNC कंपनी या कोई भी अपने ब्रांड, तो आपका टर्मिनेशन लेटर 99% हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे ही फोकस करते हैं, देन आपका आगे प्रोसेस करते हैं 1-4 महीने जब तक आप वहाँ पे रहते हो, उसके बाद ही वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यार दोस्त आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ईयर।